आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिसे बार बार चार्ज करने से छुटकारा मिलने वाला है। यह लाइन सुनकर आप एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन यह साइंस का कमाल है। दुनिया की एक फेमस कार कंपनी ने एक एसयूवी बनाई है जो गटर के पानी यानी वेस्ट वाटर से चलेगी। आम बजट 2023 में इलेक्ट्रिक कारों के सस्ता होने की बात सामने आई है। इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम आपको साइंस की एक ऐसी वास्तविक दुनिया में ले चल रहे हैं जहां कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया की एक प्रमुख कार रिसर्च कंपनी ने एक एसयूवी बनाई है जो इलेक्ट्रिक तो है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं है। वह एसयूवी गटर के पानी यानी वेस्ट वाटर से चलती है। एक बार गटर का पानी भरवाने के बाद वह करीब 2000 किलोमीटर का रेंज देती है और इसकी बिक्री भी शुरू होने वाली है। इस एसयूवी को करीब 5 लाख किलोमीटर तक टेस्ट करने के बाद बाजार में उतारा गया है और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता। इसकी पावर का कोई तोड़ नहीं है। यह मात्र 2.5 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। क्वांटिनो 25 एक बिल्कुल अलग तकनीक से चलने वाली कार है। इसमें नैनो स्ट्रक्चर्ड बायोन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये मॉलिक्यूल्स बैटरी की जगह समंदर के पानी या इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यह पानी एक बायोफ्यूल की तरह काम करता है। इसे करीब 125 लीटर के दो टैंक में भरा जाता है। इसी से बिजली पैदा होती है और यह बिजली इस एसयूवी में लगे लो वोल्टेज वाले 60 किलोवाट के 4 मोटर को पावर देती है। ये चारों मोटर ही कार के चारों पहियों को रोटेट करती है। यहाँ फ्यूल की जो एफिशिएंसी मिलती है वो मॉडर्न लिथियम आयन बैटरियों की तरह है। इसके साथ ही इसमें कोई प्रदूषण नहीं निकलता और डीजल या पेट्रोल कार की तरह इंजन का नॉइज भी नहीं होता। बायोफ्यूल नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल और नॉन हैजार्डस है, यानी न तो जहरीला, न ही आग पकड़ने वाला और न ही खतरनाक है। इसी से बिजली पैदा होती है और यह बिजली इस एसयूवी में लगे लो वोल्टेज वाले 60 किलोवाट के 4 मोटर को पावर देती है। ये चारों मोटर ही कार के चारों पहियों को रोटेट हैं। यहाँ फ्यूल की जो एफिशिएंसी मिलती है वो मॉडर्न लिथियम आयन बैटरियों की तरह है। इसके साथ ही इसमें कोई प्रदूषण नहीं निकलता और डीजल या पेट्रोल कार की तरह इंजन का नॉइज भी नहीं होता। बायोफ्यूल नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल और नॉन हैजार्डस है, यानी न तो जहरीला, न ही आग पकड़ने वाला और न ही खतरनाक है। इसी से बिजली पैदा होती है और यह बिजली इस एसयूवी में लगे लो वोल्टेज वाले 60 किलोवाट के 4 मोटर को पावर देती है। ये चारों मोटर ही कार के चारों पहियों को रोटेट हैं। यहाँ फ्यूल की जो एफिशिएंसी मिलती है वो मॉडर्न लिथियम आयन बैटरियों की तरह है। इसके साथ ही इसमें कोई प्रदूषण नहीं निकलता, कोई आवाज भी नहीं होती। बायोफ्यूल नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल और नॉन हैजार्डस है, यानी न तो जहरीला, न ही आग पकड़ने वाला और न ही खतरनाक है। ब्रिटेन की एक कंपनी ने इस कार को बनाया है। इस कार का नाम क्वांटिनो 25 है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है नैनोफ्लोसेल होल्डिंग्स PLC यानी NFC। इन्होंने अपनी एक अमेरिकी सब्सिडी कंपनी बनाई है जिसका नाम है नैनोफ्लोसेल USA LLC। इसे न्यूयॉर्क में रजिस्टर किया गया है। न्यूयॉर्क में ही ये एसयूवी बेची जा रही है। इसमें एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाया गया है जो शुरू में लो वोल्टेज वाले नैनोफ्लोसेल को पावर देता है। इसके बाद नैनोफ्लोसेल खुद बिजली बनाने लगते हैं और यह बिजली इस एसयूवी में लगे चारों मोटर को पावर देती है। इस तरह एसयूवी के भीतर यह पूरी प्रक्रिया सेकंड से भी कम समय में होती है और यह कार 0 से 100 की स्पीड करीब 3 सेकंड में पकड़ लेती है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है। एक बार टैंक में पानी भरने के बाद यह कार करीब 2000 किलोमीटर तक चलती है। यहीं पर यह मौजूदा बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी दिक्कत सॉल्व करती है। दूसरी चीज की अगर आपको इसमें वेस्ट वाटर या गटर का पानी डलवाना है तो यह बहुत आसान है। मौजूदा पेट्रोल पंप की तरह इसको भी मिनटों में भरा जा सकता है। दरअसल क्वांटिनो 25 में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो कोई क्रांतिकार तकनीक नहीं है। दुनिया में 100 साल से अधिक समय से इलेक्ट्रिक कार तकनीक रही है।
हालांकि बीते कुछ वर्षों में इसमें क्रांति आई है और यह काफी पॉपुलर हुआ है। इससे पीछे लिथियम आयन बैटरी का विकास रहा है। इस बैटरी की बदौलत ही आज दुनिया इलेक्ट्रिक कार की तरफ दौड़ रही है, लेकिन इस बैटरी की भी अपनी सीमाएं हैं और इस कारण दुनिया में इसके विकल्प की तलाश जोर शोर से चल रही है। क्वांटिनो 25 में ऊर्जा को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट बदल दिया गया है। इसमें बैटरी की जगह बियो मोलेकुल्स का इस्तेमाल किया गया है। इससे बैटरी की तुलना में ऊर्जा स्टोर करने की एफिशिएंसी बढ़ गई है और यह ज्यादा सुरक्षित भी है। दूसरी चीज की ये मोलेकुल समंदर या गटर के पानी से हासिल किए जाते हैं, इस कारण इसके लिए बेहद खर्चीला रिचार्जिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। यह 4 सीटर एसयूवी है। इसकी रूफ के हटाया जा सकत है। इसमें लगे चारों मोटर से 320 हॉर्स पावर की पावर मिलता है। अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो जैसे आपको आए दिन एक नए ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार के बारे में जानकारी मिलती होगी, लेकिन क्वांटिनो 25 की नैनो फ्लोसेल की तकनीक इनसे अलग है। इसमें इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और ऊर्जा स्टोरेज की समस्या का समाधान शानदार तरीके से निकाला गया है। इसमें पारंपरिक बैटरी को बियो मोलेकुल से बदला गया है और ऐसा करते हुए आधुनिक लिथियम आयन बैटरी जितनी ही ऊर्जा स्टोरेज और सेफ्टी हासिल की गई है, इसके साथ साथ इसमें प्रदूषण और कोई नॉइज भी नहीं होता। ऐसे में इलेक्ट्रिक कारों की कमियों से दूर भागने वाले इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद। भारत में लॉन्च इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ईवी व्हील्स को सब्सक्राइब करें।